उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सियासी मात देने में सफल रही। अब बारी यूपी में होने वाली 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की है, जिसमें 9 सीटें विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई, तो कानपुर की सीसामाऊ सीट विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने से रिक्त हो गई है। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सियासी केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है, जो उपचुनाव में भी दिख सकती है। कांग्रेस पश्चिम यूपी के साथ साथ पूर्वांचल के इलाके की सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी राजी होगी? यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है उसमें करहल, मीरापुर, खैर, फूलपुर, मजवा, कुंद्रती, गाजियाबाद, कटहरी, मिलकपुरी और सीसामऊ सीट है। इनमें से 5 विधायक सीटें सपा कोटे में खाली हुई तो 3 सीटें बीजेपी की रिक्त हुई। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी की है। यह उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफी अहमियत रहा। ऐसे में दोनों ही गठबंधन एक दूसरे की सीटें कब्जा करने की कोशिश में है, लेकिन उससे पहले सीट बंटवारे भी कम अहम नहीं है। कांग्रेस भी उपचुनाव में सपा की सीटें मांग रही है। कितनी सीटों पर समझौता होता है यह तो दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में ही तय होगा। कांग्रेस की ओर से यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लगातार दावेदारी की जा रही है। माना जा रहा है कि सपा उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर टिकट दे सकती है, लेकिन यूपी कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 5 सीटों का चयन किया है। फूलपुर, मुजफ्फरनगर, किमीरपुर, अलीगढ़ की खैर, मिर्जपुर की मजवा और गाजियाबाद सीट है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि सपा की 2022 में जीती हुई विधानसभा सीटों पर हम दाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी और एनडीए के कब्जे वाली सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि गाजियाबाद सीट को हम नहीं लेंगे। पश्चिम यूपी में मीरापुर और खैर सीट पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी कर रही है। पूर्वांचल की फूलपुर और मजवा सीट को लेकर कांग्रेस ने प्लानिंग की है। कांग्रेस पूर्वांचल और पश्चिम दोनों ही इलाकों में सीटों पर उपचुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। फूलपुर सीट बीजेपी के विधायक प्रवीण पटेल के फूलपुर से सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई है। इसी अलीगढ़ की खैर सीट अनूप प्रधान वाल्मीकि के हाथरस से सांसद बने हैं। गाजियाबाद सीट से बीजेपी विधायक डॉक्टर अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद बने। निषाद पार्टी के मिर्जापुर के मंजवा से विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद अब भदोही बनने के चलते खाली हुई है। आरएलडी के मीरापुर के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं। एनडीए के 2022 में कब्जे वाली सीटों में से कांग्रेस मांग रही है। इंडिया गठबंधन के पास जहां लोकसभा चुनाव की तर्ज पर उपचुनाव में भी आपसी समन्वय बनाकर अच्छा प्रदर्शन दिखाकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन को और मजबूत करने का मौका है, लेकिन कांग्रेस के मन के मुताबिक सपा सीट देने के मूड में नहीं है। सपा यूपी में कांग्रेस को सीटें देने को लेकर एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। सपा यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने में मूड में है, जिसमें 1 सीट अलीगढ़ की खैर और दूसरी सीट गाजियाबाद की है। पश्चिमी यूपी दोनों सीटें ही एक पूर्वांचल में से 1 सीट नहीं दे रही है। इस क्रम में उसकी नज़र इसी साल होने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है। समाजवादी पार्टी इन दोनों राज्यों में अपना पैर पसारने की कोशिश में है, जिसके लिए कांग्रेस के सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करना चाहती है। उपचुनाव में सीट बंटवारे से पहले सपा की नज़र कांग्रेस की रणनीति पर है। कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा को हिस्सेदारी देती है, तभी पार्टी यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ सकती है। ऐसे में देखना यह होगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें सपा उपचुनाव में देगी।